मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र, जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक के बाद एक वार किए हैं और घर पर खाना बनाने की नसीहत दे दी है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में कितना ज्यादा एक्टिव रहती है। जितना ज्यादा दूर उनके पति सदानंद रहते हैं, उतनी ही ज्यादा सक्रिय सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हैं। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण के साथ सुप्रिया सुले की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ब्रिजभूषण ने राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के खिलाफ जितनी बयानबाजियां की हैं, वो सब शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के इशारे पर ही की हैं। अक्सर मोदी विरोधी बयानों को लेकर सुप्रिया सुले चर्चा में रहती हैं। जब बात हो महिलाओं के हित की आवाज उठाने को लेकर, तो सुप्रिया महाराष्ट्र में सबसे ऊंचे सुर लगाती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया पर जो बयान दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लग रहा है। जब बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत ने सुप्रिया सुले को घर बैठकर खाना बनाने की नसीहत दी और ये कह दिया कि राजनीति छोड़ दीजिए, तब सुप्रिया सुले के पति सदानंद आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी पत्नी पर गर्व है कि वो एक गृहिणी है, एक माँ है, एक पत्नी है और उसके बावजूद एक सफल महिला नेता भी है। सुप्रिया सुले को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घिर गई है, सुप्रिया सुले की बयानबाजियों के चलते भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको महाराष्ट्र की सियासत की इस हलचल की पूरी बैक स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। सुनिए जरा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया लगातार सुर्खियों में बनी रहती है और इस बार सुप्रिया सुले का नाम भारतीय जनता पार्टी के चलते एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले पर सेक्सिस्ट कमेंट करने के बाद एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को लेकर कहा है, अगर आप राजनीति नहीं समझती तो घर पर जाकर खाना बनाएं। भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की ये बातें सुप्रिया सुले को लेकर जो उन्होंने कही हैं, जनता को रास नहीं आई। दरअसल सुप्रिया सुले मुद्दे पर पार्टी की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश को ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से राहत कैसे मिली, ये सवाल सुप्रिया ने उठाया और कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और किसी से मिले, मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ, अगले दो दिन और उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी मिल गई। जहां सुप्रिया सुले ने बात की थी, वहां से चंद्र दूरी पर बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल प्रदर्शन कर रहे थे। शरद पवार की बेटी के सवाल का उन्होंने जवाब दिया और कहा, आप राजनीति में क्यों हैं? घर जाओ और खाना बनाओ। आप राजनीति में हैं और आपको समझ में नहीं आता कि सीएम से कैसे मिलना है। आप भी दिल्ली जाएं या नर्क या कहीं भी जाएं, लेकिन आरक्षण दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया को लेकर जो बयान दिया, वो सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले को रास नहीं आया। सदानंद सुले जो राजनीति से दूर रहते हैं, उन्होंने भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान की निंदा की और ये कह दिया कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, मैंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है, मैंने हमेशा कहा है कि भाजपा जब भी संभव हो, महिला द्वेषी और नीच महिलाएं हैं, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है जो एक गृहिणी, माँ और एक सफल राजनेता है, जो भारत में कई अन्य मेहनती और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है, ये है सभी महिलाओं का अपमान।
आपको बता दें, अनुसूचित जाति द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगाने के बाद पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा ने अदालतों में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हारने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। वहीं सत्तारूढ़ एमवीए ने केंद्र पर अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। ये लड़ाई जो फिलहाल केंद्र और राज्य के बीच थी, अब सुप्रिया सुले पर आकर केंद्रित हो गई है। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले पर टिप्पणी की है, अभी फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी के कई नेता हैं जो भाजपा पर और महिला विरोधी भाजपा की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं।